थिंक ट्रामा जो है बचपन से ही शुरू हो जाता है, जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं. द वर्ड देसी पेरेंट्स, जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा पीछे, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया आगे बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है. जो उन्होंने पहले से सीखा है वही आगे अपने बच्चों के साथ करते हैं. उनको पता नहीं होता कि कौन सा तरीका है या पेरेंटिंग किस तरह करनी चाहिए. या आई थिंक कोई कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते थे तब के. भाई पेरेंटिंग कोई चीज़ है उसको बस मजाक समझ के लोग समझते थे पेरेंटिंग क्या है. सो वही फिर ट्रामा कैरी ऑन करते हैं. अगर उनको एनजाइटी है कुछ भी है वो उसको देखते ही नहीं हैं, बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो पास ऑन हो जाता है बच्चों में. सो द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट डिप्रेस्ड वॉज बैक इन लाइक अराउंड 2011 और 12. तो आई वॉजन डूइंग, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे. मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है. मैं ना बेड से निकल रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस कमरा बंद करके और बस सिर्फ सोना है मुझे, दैट्स ऑल. और कोई ख्याल ही नहीं आ रहा क्योंकि आई वॉजन इवन एबल टू, बाहर मुझसे निकला नहीं जा रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला जा रहा था, किसी से बात नहीं हो पा रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. मसला ये है कि आपके अंदर इतनी चीज़ें भरी होती हैं, इतनी थॉट्स भरी होती हैं कि जिस तरह वॉल्केनो जो है ना फट जाता है आके एंड में, तब जाके आपकी तबीयत ख़राब होती है. जब वो स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त हम उसका ख्याल नहीं रखते. सो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसको बीमारी की तरह ट्रीट नहीं करते. जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते. उसके बाद रिसेंटली जो है मी बीइंग द एल्डर सन, माय फादर ही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड कोविड, दैट वाज लास्ट ईयर. एंड मैं तो बिल्कुल सर्वाइवल मोड में था, बाकी मेरे सिबलिंग्स और मदर जो हैं वो थोड़ा अलग थे, घर पे थे, क्योंकि कोविड वार्ड में कोई अलाउड भी नहीं होता ना. तो वहाँ पे जाके रोज़ाना जो है डॉक्टर्स के साथ बात करना, पूछना भाई रिकवरी क्या, रिकवरी हो भी रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. और कोई आ भी नहीं सकता आपको विज़िट करने, यू हैड टू बी अलोन वहाँ पे, आपके अकेले ही बैठे रहना वेटिंग एरिया में. और कितने दिन, आई थिंक 6-7 दिन जो है मैं रोज़ाना में बैठा रहा हूँ, ना खाना याद रहता है ना सोना याद है ना कुछ कुछ भी, मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो. उस वक्त मुझे ना ग्रीफ हुआ ना कुछ, वही पास्ट अवे आफ्टर लाइक 6 डेज, 6 दिन के बाद जो है कि इंतकाल हो गया. तो उस वक्त भी मेरे इमोशंस जो थे वो बिल्कुल अंदर दबे हुए थे और कुछ बाहर मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मुझे रोना भी आना चाहिए या कुछ कुछ भी नहीं. तो मैं गया थेरेपिस्ट के पास. ऑब्वियसली थेरेपिस्ट भी ऐसा हो जो आपके मुताबिक हो, वो भी इंसान है, हर किसी का डिफरेंट नज़रिया होता है और हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है बात करने का. जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों आपको वो ढूंढना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है. तो मैंने किया और मुझे एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट मिला और जो मेरा ग्रीफ था सारा जो फंसा हुआ था उसने वो सारा निकाला बाकायदे तौर पर, रोना आया सब कुछ जो है. एग्ज़ाम से मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प आउट किया, उनको पता था कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो वो किसी ना किसी तरह मैंने कर दिया. उसके बाद भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है पूरी फैमिली पे, सिर्फ मुझ पे नहीं पड़ा है, मेरे भाइयों पे पड़ा है, मदर पे पड़ा है. सो हम सब ने थेरेपी स्टार्ट की, नॉट जस्ट मी. जर्नी जो है वो तो चल रही है, वो ख़त्म नहीं होनी. थेरेपी का मतलब ये नहीं कि आप गए एक महीना और ख़त्म होगी चीज़. आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हर दफ़ा कोई नई प्रॉब्लम आएगी, उसको किस तरह कोप करना है. आप जब भी फंस रहे हैं उसके लिए थेरेपी इज़ ऑलवेज देयर, आपके पास लोग मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जिसके पास आप जा सकते हैं. बट लोग जो हैं अभी तक जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से नहीं जाते हैं इनके पास, अपने दिमाग को और दिल को हल्का करने के लिए गो फॉर थेरेपी.